किराएदारी के समझौते। आवासीय किराएदारों के कार्यालय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम किराएदारी या टेनेंसी समझौते को देख रहे हैं। एक किराएदारी समझौते एक कानूनी अनुबंध है जहां मकान मालिक किराए के बदले में किराएदार को किराए की संपत्ति पर कब्जा देता है। इसमें किराए के नियम शामिल है। यह समझौता दो तरीके से किया जा सकता है, मौखिक रूप से या लिखित रूप में। एक लिखित समझौते में सभी पक्षों के कानूनी नाम, किराए की संपत्ति का पता और किराए की राशि की जानकारी शामिल होनी चाहिए। आवश्यकताओं की एक पूरी सूची ORT की वेबसाइट पर पाई जा सकती है। यदि किराएदारी समझौता मौखिक है तो मकान मालिकों को समझौते पर पहुंचने के 20 दिन के भीतर लिखित रूप में अपनी संपर्क जानकारी प्रदान करनी होगी। मकान मालिक और किराएदार विभिन्न प्रकार के रेंटल समझौते में से चुन सकते हैं, मासिक, त्रैमासिक, सप्ताह से सप्ताह और निश्चित अवधि के पट्टे या लीज। मासिक या साप्ताहिक किराए तब तक जारी रहते हैं जब तक कि इसे उचित नोटिस द्वारा वैध रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता है। मासिक समझौतों को 1 महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है, जबकि साप्ताहिक समझौतों को 1 सप्ताह की आवश्यकता होती है। दोनों मामलों में किराएदार को किराए के देय होने से पहले दिन का नोटिस देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किराया पहले जून को नियत है और एक किराएदार जून के अंत में बाहर जाना चाहता है तो नोटिस 31 मई तक दिया जाना चाहिए। अंत में एक निश्चित अवधि की लीज या फिक्स टर्म टेनेंसी तब होती है जब एक मकान मालिक और किराएदार किराए के लिए एक विशिष्ट समय सीमा पर सहमत होते हैं। इन समझौतों की एक निश्चित अंतिम तिथि है। खाली करने के लिए नोटिस की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष शुरू से एक अंतिम तिथि पर सहमत हुए हैं। लेकिन किराए के समाप्त होने से 2 महीने पहले मकान मालिक को या तो नवीकरण की शर्तें पेश करनी चाहिए या किराएदार को सूचित करना चाहिए कि लीज को नवीकृत नहीं किया जाएगा, ताकि किराएदार को पता चले कि क्या उन्हें कार्यकाल के अंत में बाहर जाने की आवश्यकता है। यहाँ कुछ याद रखें, हर किराएदारी समझौते का पालन करना चाहिए जिसे मानक स्थितियां या स्टैंडर्ड कंडीशंस कहा जाता है। यहाँ उन नियमों की एक सूची है जो प्रांत में हर किराए पर लागू होती हैं। कानून के अनुसार हर लिखित टेनेंसी समझौते के साथ मानक शर्तों की एक प्रति शामिल की जानी चाहिए। यह कैसे काम करता है? उदाहरण के लिए, मानक स्थितियां बताती हैं कि किराएदार को संपत्ति को यथोचित रूप से स्वच्छ और नुकसानहीन छोड़ देना चाहिए। यहाँ तक कि किराएदारी समझौते के अनुसार किराएदारों को बाहर निकलने से पहले पेशेवर रूप से कारपेट और या कालीनों को साफ करना चाहिए, परंतु मकान छोड़ने से पहले यदि कारपेट बहुत साफ है तो किराएदार को कारपेट साफ नहीं करना पड़ेगा। मानक स्थितियां हमेशा जीतती हैं। मकान मालिक और किराएदार दोनों को खुशहाल किराएदारी सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए मानक शर्तों से परिचित होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए www.saskatchewan.ca/ORT पर जाएं।